ना अलग अलग बेटा सुन, चलो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आज दूसरा वाला कौन सा करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो पहले थोड़ी सी थोड़ी थ्योरी करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो पहली बात स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंस मैंने बता दिया था कि अच्छा युक्ता आखिरी क्लास है वेक्टर की, फिर इंटीग्रेशन ले लूंगा मैं, तो डोंट वरी आपने कहा था कि आपने इंटर करना है तो आखिरी क्लास वेक्टर कर लो, देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, आप यदि ये देखें कि स्केलर और डॉट, हमारे पास दो चीजें होती हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। आपका स्केलर प्रोडक्ट हम लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में आपको हमने कर लिया सारे पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट में आंसर स्केलर आता है, वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर आपका किसमें आएगा, वेक्टर में आएगा। तो यदि हमने एक सरफेस लिया, थोड़ा सा फिजिक्स वाला एंगल डाल रहा हूँ, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने क्या लगाया, इस पर मैंने लगाया फोर्स, तो इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और उसके बाद ये मूव हुआ, ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी पड़ा होगा टेंथ में, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मिला के हमारे पास क्या बना, वर्क डन। यहाँ पर क्या हुआ, एक काम हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस और इनटू में, चलो ठीक है, मतलब दैट इज कॉस थीटा होता है, बट ये जो निकला आपके पास में, यहाँ पर क्या था, फोर्स एक दूसरी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरी क्वांटिटी, और इनको हमने मल्टीप्लाई किया या इनका देखा रिजल्ट, वो क्या निकला मेरे पास, वर्क डन। वो एक और मेरे पास में क्या निकला, तीसरा ये निकला मेरे पास में स्केलर। अच्छा, वर्क वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कई बार हम क्या करते हैं प्रोडक्ट्स में, हमारे पास जब दो अलग अलग क्वांटिटी हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी है, उनका रिजल्टेंट स्केलर आता है, तो स्केलर होता है। बट कई बार क्या होता है हमारे पास कि ये हमने इस तरह से ये एक तीन हमने एक्सिस लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, मत लो, एक काम करो आप, मान लीजिए थोड़ा सा फिजिक्स फिर इसमें डाल रहा हूं मैं, कि कोई फील्ड है, इसकी डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, ये हो गया दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी चीज का इधर है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपका कौन सा हो गया, ये आपका इस तरफ का हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप इसमें लगाओगे राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, तो इसमें कौन सा निकलेगा आपका, ये कौन सा निकलेगा, दिस इज द फोर्स। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा हो गया करंट, ये कौन सा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये दो अलग अलग डायरेक्शन में आया, और इनका जो रिजल्टेंट क्या आया मेरे पास में, फोर्स आया, फोर्स। अच्छा, फोर्स क्या है, फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपका क्या है, मतलब कुल मिला के मैं ये दो एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पर दो वेक्टर को निकाल के तीसरा निकला था वर्क, वो क्या था, स्केलर। तो ये कौन सा कह रहा है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये कौन सा, ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, और इसका जो रिजल्टेंट निकला वो क्या निकला, फोर्स, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा मेरा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर किसमें आता है, वेक्टर में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट में किसमें आएगा आपका आंसर, आपका स्केलर में आएगा। चलो, अब हमने यहाँ ठीक है बहुत सारा काम कर लिया, मेन आपके पास क्या चीज है कि दो चीजों का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो तीसरी क्वांटिटी जो निकलेगी उसका एक डायरेक्शन भी होगा, और वो जो डायरेक्शन होगा, सपोज दैट आप क्या करते हैं, ये अपने यहाँ पर दो वेक्टर लिए, दिस इज ए वेक्टर और ये कौन सा निकल गया, बी वेक्टर, इन दोनों का आपने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकलेगा तीसरी क्वांटिटी उसका क्या होगा, वो ऐसे नहीं होगा 15 आ गया या 20 आ गया 50 आ गया, उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, और वो जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो आपका होगा इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा या तो ऊपर की तरफ, और इसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लेते हैं उसे बोलते हैं एन कैप, और एक ऊपर की तरफ, और सेम 90 डिग्री यदि मैं लेता हूं तो एक नीचे की तरफ होगा, ये भी आपका कितना होगा, दिस इज ऑल्सो यहां से लेके यहां तक आपका ये होगा मेरे पास एन कैप। तो मोटा मोटी एक बात हमने जो निकाला कि दो हमने ये, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में थीटा। तो दो वेक्टर का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उनके बीच का एंगल आपके पास में क्या है, थीटा है, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसका, द परपेंडिकुलर में आपका जो निकलेगा वो क्या देगा, उसका थर्ड वाले का डायरेक्शन। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं
वो क्या करता है, दोनों का डायरेक्शन दिखाता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन के आता है, क्या बनता है हमारे पास में यहाँ पे, कि दो वेक्टर यदि मेरे पास में दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ मुझे बताना है हाउ मेनी परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर देयर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका आंसर वन मार्कर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं मैं, इसका आंसर आएगा आपका टू। मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर्स यदि हम लेंगे तो कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, वो आपका आंसर कितना जाएगा, आंसर आएगा आपके पास टू। प्रॉपर्टीज में आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर नाइन है, पेज नंबर 68 पे देखना जरा, आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हिम्मी और बकिया, पॉइंट नंबर 9, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर इज गिवन बाय इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, ये पॉइंट नंबर 9 आपका है। चलो अब थ्योरी ना करें, तुम्हें क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन में समझा देता हूँ। डायरेक्टली हम क्वेश्चन लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जरा पेज नंबर निकाल लेना, पेज नंबर वही आपका कौन सा है, 67। चल अब पहला पॉइंट यहाँ पर हम नोट करते जाते हैं, क्या पॉइंट है बोलो, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी। चलो पॉइंट नंबर 2, दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था कॉस थीटा में, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड और ये होल का मॉड। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा मतलब वहां पर कॉस थीटा का फॉर्मूला था, यहां डॉट का क्रॉस का फॉर्मूला है, तो दोनों में अंतर क्या है, वहां क्या था कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला वहां क्या था डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इनटू बी का मॉड, और क्रॉस में फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉड इनटू बी का मॉड। इसके दो कंडीशन, यदि दो वेक्टर क्या होंगे पैरेलल या कोलिनियर तो उसके अंदर कितना निकलेगा थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब क्या, जब दो वेक्टर क्या हो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, एंगल बनेगा ही। अच्छा अब यहां डालो आपके पास साइन 0 कितना हो गया, साइन 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना निकल गया ए क्रॉस बी का जो मॉड आएगा वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, नीचे वाला आपका खत्म हो गया। चलिए अगला, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये इसका केस नंबर 1 और केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा उस केस में कितना साइन 90 कितना होता है 1, तो यदि ये वाला 1 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना निकला हमारे पास आंसर, ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा ए का मॉड इनटू में बी का मॉड, ये कंडीशन। पॉइंट नंबर 3, अच्छा उल्टा हो गया, वहां की कंडीशन उल्टी थी, वहां पर 90 डिग्री में क्या होता था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता था ए डॉट बी बराबर 0, और यहां पर क्या आएगा 0 डिग्री में कितना होगा ए क्रॉस बी बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का केस इंटरचेंज हो चुका है। चलो अगला पॉइंट प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को भी और ज्यादा क्लियरिटी से लेंगे। यहां पर डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला था, कंपेयर करो तो क्या था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों को पलटा सकते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा ऐसा नहीं होगा। यदि आप इसको चेंज करोगे तो ए डॉट बी जो होगा किसके बराबर होगा, वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा। यहाँ पर ये आपका नेगेटिव के बराबर आता है, मतलब इसका क्या हुआ, और आई कैन से दैट कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं होता, और यदि कम्यूटेटिव करना है तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। The most important point number 4, as it is, मैं धीरे धीरे यदि यहाँ पर compare भी करूँ, dot में क्या चलता था भैया, i से कितना 1, j cap, dot में कितना निकलता था 1, k से कितना निकलेगा 1, और उल्टा क्या चलता था, i dot j is equal to 0, j dot k is equal to 0, और i dot k is equal to 0। ये डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस में क्या चलता है वो देखते हैं हम लोग, क्रॉस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अब कहानी उल्टी, अब यहां पर
अच्छा डॉट में एक और चीज आप यदि वो भी करते थे ना, ए डॉट ए इज इक्वल टू कितना निकलता था, ए के मॉड का स्क्वायर, यहाँ नहीं होगा ऐसा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यदि आप क्या करते हैं, आप यदि आई कैप डॉट आई कैप लगाते हैं तो ये जीरो होगा, उल्टा हो गया चेंज, कंडीशन चेंज। वहां पर आई डॉट आई कितना था, वन, यहाँ पर आई डॉट आई कितना होगा, जीरो। अच्छा आई डॉट आई कितना हो गया, आई क्रॉस आई, सॉरी डॉट नहीं क्रॉस चल रहा है, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो हो गए सेम वाले, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। अच्छा रीजन क्या जाएगा, जरा एक बार ध्यान से देखेंगे, आई और आई के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो डिग्री। आई और आई के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो डिग्री। मतलब जीरो डिग्री का मतलब क्या हुआ, मेरे पास आई जे के होता क्या है, आई जे के होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। आई किधर का हो गया, इधर वाला एक लेंथ को बोलते हैं आई, इधर वाले को बोलते हैं जे, और इधर वाले को कितना बोलते हैं, दिस इज के कैप, ये हो गया आई कैप, दिस विल बी जे कैप, और ये आपका निकल गया के कैप। अच्छा आई का आई से कितना एंगल बना, जीरो डिग्री, और जीरो डिग्री मतलब कौन सा, थीटा बराबर जीरो, तो ए क्रॉस बी बराबर जीरो आया। मैंने वही चीज के अलग काम नहीं किया मैंने, आई क्रॉस आई जीरो क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है। जे क्रॉस जे जीरो क्यों, तो बिकॉज उनका जीरो डिग्री। अब यहां पर हम ये, अब ये आई और जे का डॉट जीरो होता था, अब इसका देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, आई कैप इंटू जे कैप, ठीक है, समझ आई जे और के, हमने वेरी गुड, ये तुक्का बड़ा बढ़िया हमारा, तो वेक्टर से दूर दूर का नाता नहीं है, बोला सही है वैसे। आई क्रॉस आएगा मगर, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के बनेगा। अच्छा अब जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई बनेगा, आई जे के, इसका ये याद करने का तरीका आप ऐसा रख लो, आई जे के, आई जे के, ये साइड आप इसको लिख लो आई जे के, अरे अल्फाबेट आता हो ना आई जे के, आई जे के। अब आई जे के पैटर्न क्या बना, आई और जे का करोगे तो आंसर के आएगा, जे और के का करोगे तो आंसर आई आएगा, और किसका करोगे, के और आई का करेंगे, किसका, के का आई के साथ में करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, जे। तो अगला कितना बनेगा भैया, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्या, मगर क्योंकि है वेक्टर, अब ये कहानी पलट गई, आई क्रॉस जे, अब यदि कहानी पलट गई जे क्रॉस आई तो अब कितना निकलेगा, माइनस का के, क्योंकि वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता, जे और के से आपका आई निकलेगा, मगर के का जे से यदि मैं लेता हूं, दिस इज के क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना, माइनस का आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का जे। देखो भैया ये ध्यान रख लो, ये बहुत काम की चीज है, मगर नहीं ध्यान रखा तो कोई बात नहीं, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा ना तो या तो आप इसको याद रख लो, दैट इज फाइन, ये बेसिक मुझे बताना जरूरी है, बट ये ट्रेडिशनल तरीका है। अब यदि मैं आपको दो वेक्टर लेता हूँ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताता हूँ, जरा देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि मैं निकालता हूँ, दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे कैप और माइनस का फोर के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का थ्री आई प्लस का फोर जे कैप एंड प्लस का फाइव के कैप। अब क्या निकालना है मुझे, ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। लेट्स फाइंड आउट आई कैप टू जे कैप माइनस का फोर के कैप और माइनस का थ्री आई प्लस का फोर जे एंड प्लस का फाइव के कैप। अब देखो डॉट में ये क्रॉस है बीच में, ध्यान रखना ये डॉट नहीं चल रहा, क्रॉस चल रहा है। अब क्रॉस में आई का आई में करेंगे, नहीं अभी क्या बताया, आई का आई में करेंगे जीरो, यहाँ डॉट नहीं क्रॉस है, उल्टा चल रहा है हिसाब किताब। डॉट में क्या करते थे, आई का आई से, जे का जे में और के का के में, अब यहाँ उल्टा चल रहा है। अब क्या करेंगे, आई का आई से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आई का आई से नहीं होगा, आई का किससे होगा, जे से और आई का के से। और डॉट में क्या होता था, डॉट में आई का आई से और जे और के से नहीं करते थे। अरे समझ में आ रहा है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट भैया, लीट पर जाओ ज्यादा बेटर हो, मैंने गगन नहीं आया, मैं उसको फोर्स भी नहीं कर रहा, आज गगन नहीं आया, उसको फोर्स भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं आया मालूम है, ठीक है ना, जिनका नहीं करना मत करो, दो नंबर का जैसा बाकी लोग करने दो। चलो लेट्स फाइंड आउट
आई का आई से कितना निकला? अच्छा अब ये ऑर्डर देखना पड़ेगा, आई का जे में चिपका हो गए तो कितना आएगा बताओ, आई जे से के आएगा, कितना निकला फोर, कितना निकला फोर के कैप। अच्छा अब वन है ये पांच है तो कितना निकला प्लस पांच, आई का के से हो रहा है जी, देखो जरा जी आई का के से हो रहा है तो ओ, ओ, ये उल्टा हो रहा है आई का, हाँ माइनस आएगा, माइनस होगा ये आई क्या क्रॉस कितना है, कितना आएगा माइनस का, माइनस का जे कैप। चलो अब किसका करना है, अब जे कैप का किससे करूंगा मैं, जे का आई से करूं, कितना निकला माइनस का सिक्स, जे के जे और आई सॉरी जे और एम कितना आएगा माइनस के, जे और आई माइनस का के तो कितना हो गया प्लस का के कैप। अच्छा आप जे का किसमें करेंगे, जे में नहीं करेंगे क्योंकि वो जे हो जाएंगे तो कितना निकला दिस इज टेन, कितना टेन प्लस का जे के, आई प्लस का आएगा माइनस का आएगा, जे के का प्लस का आई आया, प्लस का आई कैप आया। चलो अगला कौन सा लास्ट बाकी, माइनस फोर के आई प्लस माइनस आया नहीं प्लस आएगा ना, अच्छा हाँ ठीक है प्लस आएगा, प्लस आएगा ये टू प्लस का ये भी प्लस का है आपका फाइव टू टेन। अगला माइनस माइनस प्लस के आई ये लिख लो यार, आई जे के आई, आई कैप जे के आई और फिर आई जे कैप। चलो अब इसका करना के का किसमें करना है आई में, देखो जरा के आई में कितना निकलेगा जे, तो माइनस माइनस प्लस का कितना निकला ट्वेल्व, के कैप के का हमने आई में किया तो जे निकलेगा, हाँ जे कैप आएगा, के का मैंने किसमें किया आई में किया ना, के का आई में किया तो जे आया। अच्छा किसका करना है, के का करना है जे में तो माइनस का सोलह के जे आई प्लस सोलह हो जाएगा, के जे है तो ये जे के हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का सोलह कितना आई कैप, आई कैप। चलो अब ये है कंफ्यूजन इतना ना, बोले सर हर बार इतना कहाँ दिमाग लगाएंगे, इसका दूसरा तरीका भी सिखा रहा हूँ जो आसान है, ये बहुत मुश्किल तरीका है। अच्छा फिलहाल कितना निकला मेरे पास, लेट सॉल्व इट, आई कितने निकले मेरे पास 10 और ये कितना निकला 26 आई कैप, दूसरा कौन सा निकला के कितना आई जे, जे कितना निकला 5 और 12 कितना निकला 17 कैसे यार 7 7 और 5 12 7 जे कैप और ये कितना निकला 6 और 4 प्लस का 10 के कैप। अच्छा ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, फिर भी तो आंसर कर ही रहा है ना, आंसर तो कर ही रहा है, कंफ्यूजिंग है, दैट्स फाइन। अरे तो मैं ये बताना नहीं है और ना ये एग्जाम में करना है, तो बोले करना क्या है, करना ये है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का तरीका होता है, एक और तरीका होता है डिटर्मिनेंट का, क्या करो पहले वाले, अच्छा ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना, आई अच्छा ठीक है मैं नेटवर्क चेंज करके थोड़ा रुक जाता हूँ या वेट कर लेता हूँ, ये आई जे के आपका निकला, अच्छा ये आपका आंसर निकला है, ये आपका ये वाले मेथड से ट्रेडिशनल मेथड से क्या निकाला मैंने ए क्रॉस बी, अब आप ए क्रॉस बी निकालना किससे, पहले वाले में लिख लो आई जे के, दूसरे वाले में क्या लिख लेना भैया आप ए का वेक्टर कौन सा, इसके जो कोफिशिएंट है कितने हैं कोफिशिएंट 1 2 -4 और नीचे वाले में क्या लिखना इसके कोफिशिएंट कितना है -3 4 और 5। अब जरा फट से निकालो डिटरमिनेंट, 12th वाले बच्चों निकाल दो लोगे जल्दी निकालो फटाफट, एक्सपो एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड एक्सपैंड कैसे करते हैं क्रॉस बी, हाँ वो एक्सपांड करने का टाइम लेंगे गुरुजी, अभी थोड़ी लेंगे एक्सपांड करने का टाइम लेंगे, कितना निकला देखो ये 5 2 10 प्लस का 16 तो 10 प्लस कितना निकला 10 प्लस 16 कितना निकला देखो आ रहा 26 आई क्या, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अगला कौन सा माइनस का जे क्या 5 into 1 और माइनस का 12 1 माइनस का 12 कितना कितना आएगा 5 आएगा, अच्छा 5 कितना निकला माइनस का 7 और ये कितना माइनस तो प्लस का 7 जे आ रहा है। चलो अगला कौन सा, अगला कितना लेंगे प्लस का 4 into 1 और दैट इज प्लस का कितना निकला 6 कितना निकल गया
टेन के कैप आ रहा है, टेन के कैप, तो आंसर वही निकलेगा गुरु जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 26 आई कैप प्लस 7 जे कैप और प्लस 10 के कैप। तो आई सजेस्ट कि आप ये तरीका मत लगाना जो वेक्टर का ट्रेडिशनल तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करना, डिटर्मिनेंट ले हो, पहले वाले रो में आई जे के, दूसरे वाले रो में पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट और उसके अगले वाले में दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट। चलिए नेटवर्क आ रहा है, और ये आपका वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अगला, अब इसकी कुछ और एप्लीकेशन है, कुछ और पॉइंट है जो हमें देखना है। तो अगला पॉइंट आपके पास में आएगा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि आपको निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कौन सा पॉइंट नंबर आपका, ये पॉइंट नंबर 5 लिख लो भैया। यदि मेरे पास ये एक ट्रायंगल दिया है, दिस इज ए बी और सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। अच्छा, ए बी क्रॉस ए सी मतलब क्या, आपने कर दिया फिक्स ए को, तो टर्मिनल कौन सा निकला आपका, ये आपका ए टर्मिनल आया, ए हमारा है टर्मिनल। तो देखो डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगी आपको, दो अलग अलग डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा दो अलग अलग ऐसी डायरेक्शन निकलती है हमारे पास हमेशा। तो टर्मिनल आपने रखा ए, ए बी क्रॉस ए सी, ये करेक्ट है। किसी बच्चे ने यदि गलती से उल्टा ले लिया, किसी बच्चे ने लिखा 1/2 ए बी क्रॉस बी सी या ए सी कुछ, या ए बी क्रॉस आप लिख लीजिए बी सी, तो गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ध्यान रखना आप क्या रखना, टर्मिनल दोनों में ए आपका सेम होना चाहिए। अच्छा, और क्या कर सकता है, और करके यदि मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बोले साहब आपने टर्मिनल रखा ए को, मारी मर्जी, मैं क्या करूं, मैं रखूं बी को फिक्स कर लेता हूं, तो बोलो कितना निकलेगा, बी ए क्रॉस बी सी, बी सी, हाँ वेरी गुड, बी ए क्रॉस बी सी, तो ये भी चलेगा मगर टर्मिनल सेम होना चाहिए। तीसरा केस, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, किसी ने बोला नहीं मैं सी को पकड़ूंगा, सी ए और सी बी, गलत मत रखना, सी ए क्रॉस सी बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपका होता है, मगर इसका मॉडुलस निकलेगा। मॉडुलस क्यों निकलेगा, क्योंकि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर किसमें आएगा, वेक्टर, मतलब पहले का सेम होना चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है, मैं उसके आज की बात कर रहा हूँ, उसका मॉड क्यों निकालना पड़ेगा रुचि, मॉड क्यों निकालना पड़ता है, मॉड सब लोग ये नहीं वो नहीं कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव वाला तो कॉन्सेप्ट है, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही है, ये आपका वेक्टर निकला, वेक्टर का मॉड कैसे निकालते थे आप, इसका मॉड निकालो कितना निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ 26 का स्क्वायर प्लस कितना है ये 7 का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर, तो मॉड का मतलब ये होता है निकालना आपका आंसर क्या। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी देखा किसी क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 50 स्क्वायर यूनिट, या ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 26 आई का प्लस 7 जे का प्लस प्लस ये क्या, एरिया वेक्टर में आएगा, एरिया स्केलर में आएगा, एरिया स्केलर में आएगा, वेट अ मिनट एक सेकंड, एरिया स्केलर में आएगा, तो ये जो आंसर देगा मगर वो तो वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। एरिया जो निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में आपका निकलेगा वेक्टर क्वांटिटी, मगर एरिया कांट बी वेक्टर, तो वी हैव टू फाइंड द स्केलर, तो क्या करना उसका मॉड ले लो, तो इसलिए आपका मॉड लगा है। बोल क्या बोल, सर ट्रायंगल दो साइड पैरेलल होते हैं, ट्रायंगल की भाई वायरल हो जाएगा, होती है क्या?
ट्रायंगल की दो साइड पैरेलल नहीं होती, क्या बोला वायरल हो जाए, बाद में करेंगे बात। चलो पॉइंट नंबर 6, लेट्स टॉक लेटर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेललोग्राम यदि आ गया, तो यदि मेरे पास में आ गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी वही कहानी, क्या करना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू कितना, आपने क्या करना है, टर्मिनल क्या कर देना है, फिक्स। आपने यदि ए को फिक्स रखा तो बोलो कितना, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी, मगर इसका क्या लेना पड़ेगा, मॉड। अंतर यहाँ पे हाफ लगता था, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा। अच्छा और क्या बोल सकते हैं हम लोग, बी सी क्रॉस बी ए, ये भी चलेगा, ठीक है। बस क्या रखना आपको, टर्मिनल शुड बी सेम। मगर इसका एक और फॉर्मूला, ये क्या निकला मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, ये निकला प्रोडक्ट ऑफ द, ये सब अनमार्कर में इंपॉर्टेंट है, अभी लूंगा जब क्वेश्चन तो सब में वही आएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना कब कब जरूरी, जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए। इसके दो फॉर्मूले होंगे, पहला वाला होगा प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, या फिर दूसरा होगा मेरे पास इसके डायगोनल का प्रोडक्ट। दूसरा फॉर्मूला इसमें लिखा है बुकलेट में, आप देखते जाओ बुकलेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेकंड फॉर्मूला भी लिखा है। तो एरिया का फॉर्मूला यदि लगाऊंगा ए बी सी डी, तो क्या लगेगा, हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के, और उसका क्या निकाल लेना, मॉड तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका हमेशा वेक्टर में आता है। चलो आगे अगला पॉइंट है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ क्या गई, वन अपॉइंट टू डी वन क्रॉस डी टू का मॉड, वन अपॉइंट टू डी वन क्रॉस डी टू का मॉड लिख लिया। वन अपॉइंट टू डी वन क्रॉस डी टू का मॉड, हाँ हाँ कोई नहीं, बस 15-20 सेकंड में वो ठीक हो जाएगा। बस दो पॉइंट और हैं, चलो करें आगे। हो गया वीडियो क्लियर, हुई कि नहीं हुई, हाँ हो गई, तुम लोग बोलते नहीं हो, क्लियर हो जाती है। चलो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। पॉइंट नंबर 7 है, 7th वाला पॉइंट, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी यदि लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी एंड प्लस ए क्रॉस सी, तो हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, 9th वाला पॉइंट है आपका। अच्छा 8th वाला पॉइंट कौन सा, डिटरमिनेंट, जो अभी मैंने करके बताया डिटरमिनेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। 9th वाला पॉइंट है वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट, पॉइंट नंबर 9 है। ये दो वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, वो इसके क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ये थर्ड वेक्टर जो निकला आपका, तो हाँ ये मैंने बताया था अभी, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे निकालना है, ये आपका सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर, ये आपका कौन सा ए वेक्टर है, ये कौन सा आपका बी वेक्टर है, ये कौन सा होगा माइनस का सी वेक्टर, नीचे की तरफ है, तो जो सी वेक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी, मतलब जो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, एक वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो इज ऑलवेज गिवन बाय इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11 बुकलेट का, शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। एक बार जरा थ्योरी याद कर लिया, सारे के सारे, क्या साइन थीटा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है,
और एरिया ऑफ ट्रायंगल का है इम्पोर्टेंट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है, बस थोड़ी थोड़ी ज्यादा ले ली मैंने, नहीं लेना था इतना। हाँ क्या ये सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल पैरेललोग्राम और एक कौन सा साइन थीटा वाला फॉर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा टिक मारे थे पिछली क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन पे, फिर लगे हो आपको ये वाली देता हूं इसमें मैं मारने दी इसमें मारने नहीं मारने। चलो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 से ले रहे हैं हम लोग, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं, फर्स्ट वाला सेम ही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। इसने नंबर मांगा, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं, दो लिख लो आंसर दो बस। इसने नंबर मांगा या वेक्टर मांगा, नंबर लिखना है तो भैया ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल है। और यदि बोलता है कि वो वेक्टर निकाल के बताओ तो मैं क्या करता इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट निकाल देता, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कोप्लानर वाला है, कोप्लानर डिलीट हो चुका है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कौन सा होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट का है, वो कोर से हट गए, वो हट चुका है तो डिस्कस करना नहीं है। अगला आपके पास है क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 11th पे, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहां भी कितना आंसर आएगा, 2। रट लो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रट लो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर में आना ही आना है। हिम्मी कनक और क्या भव्या जिनके वेक्टर आ रहे हैं इनके लिए, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर मैं करके दिखा देता हूं। ए वेक्टर कितना निकला, 2i प्लस जे एंड प्लस 2k। बी वेक्टर कितना निकला, बी वेक्टर कितना निकला, 0i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। अब नंबर ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू कितना, 2। और यदि मुझे वो वेक्टर या तो नंबर पूछा, उसने बोल सकता है ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड करने को नहीं बोला गया, राइट द नंबर तो आप लोग लिख लो एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर। फाइंड, अरे आप लोग लिख लो, फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, फाइंड द वेक्टर ऑल्सो। तो भैया नंबर निकाल लिए, अब वो वेक्टर जो निकलेगा सी वेक्टर लेट कर लो, तो लेट क्या होगा मेरे पास, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो बोलो सी वेक्टर कैसे निकलेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का, यही तो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। मतलब कितने पॉइंट हो गए आपका, पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का और साइन वाला, और चौथा पॉइंट कौन सा, ये 9th वाला पॉइंट था जहां पर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर को किसी वेक्टर निकालना है। तो दिस इज 2i प्लस j एंड प्लस 2k क्रॉस प्रोडक्ट, 0i प्लस j एंड प्लस k, जरा निकालना इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो c वेक्टर कितना निकला, डिटरमिनेंट ऑफ i j k 2 1 2 0 1 1, निकालो कितना आंसर आया। आई माइनस टू जे प्लस टू, आई माइनस टू जे प्लस टू के, प्लस टू के। चलो अगला 11th, अब कौन सा इसमें है, क्वेश्चन नंबर है 13, जो बच्चे में है ना वो ले रहे हैं हम लोग, डॉट के तो कर लिए थे, जो बच्चे में हम वो ले रहे हैं, जिसने पिछली क्लास में मार्क किया था, आपने किया था मार्क, तो वो जो लिखे थे वो हो गए, जो बचे हुए मैं वो करवा रहा हूं, जो बचे हुए वो। अगला कौन सा है, 11 के बाद 12th क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का था, 13th क्रॉस का है, 13th क्वेश्चन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए कितना निकला, ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। डॉट भी है, हाँ, तो मिक्स भी तो होगा बेटा,
क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो मैं कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला, साइन थीटा वाला। डॉट प्रोडक्ट आया तो मैं कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला, कॉस थीटा वाला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए का मॉड इनटू बी का मॉड। इसका फॉर्मूला कितना था, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इनटू बी का मॉड। ठीक है भव्या, ये दो फॉर्मूले क्लियर? हाँ चलो, ब्लर है तो जो भी है निकालो। अब चलिए यहां से मैं किसकी निकालू वैल्यू, ये नीचे डॉट आएगा और साइन थीटा है, किसमें नहीं तो यहाँ से क्रॉस की निकालू, यहाँ से डॉट की निकालू, ये पुट कर देता हूँ, सारा मामला खत्म। कहाँ पे ये डॉट है, ये स्केलर है तो डॉट ही होगा, वहां क्रॉस थोड़ी होगा। ए का मॉड एक नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये पांच और तीन, तो उसमें डॉट क्रॉस का मतलब, डॉट क्रॉस का इशू कब बनता है, जब वेक्टर क्वांटिटी हो। मॉड का मतलब ही क्रॉस होता है, कुछ ही लगा दे। चलो आगे। अच्छा यहां पर हमने मॉड लगाया ए क्रॉस बी, यहां पर मॉड नहीं लगाया, रीजन ये स्केलर है, स्केलर स्केलर है, उसका मॉड लेने की जरूरत नहीं है। ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है, उसका तो देना पड़ेगा मॉड, स्केलर में करना है, स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए उसका मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया भैया? हाँ चलो आगे निकालो। साइन थीटा तो ये कितना निकला, साइन थीटा ये कितना दिया है, अच्छा ये दिया नहीं है, लेट्स मल्टीप्लाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड इनटू साइन थीटा। यहां से कितना निकला, ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना, ए का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड और इनटू कितना कॉस थीटा। दोनों को यहां पुट कर दो या पहले स्क्वायर कर लो दोनों का इधर। ये कितना निकला, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगला ये क्या निकलेगा, ए डॉट बी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये निकला ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को यहां पुट करो जल्दी से, ये मेरे पास यहां पर दोनों को जोड़ रहे हैं, बेसिकली दोनों को जोड़ के इज इक्वल टू कितना रखो, 400 सही जा रहे हो, आंसर आ गया तेरा, वेरी गुड। दोनों को जोड़ के इज इक्वल टू 400 रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो ये कितना निकला, ए के मॉड का स्क्वायर ते बी के मॉड का स्क्वायर ते साइन स्क्वायर थीटा ते प्लस ये कितना निकला, ए के मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर ते कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कितना 400। चलो यहां से कितना कॉमन निकला, ए के मॉड का स्क्वायर ते बी के मॉड का स्क्वायर, अंदर कितना बचा, ये फॉर्मूला 10th क्लास वालों का सबसे फेवरेट फॉर्मूला, और कुछ आए ना है मगर ये फॉर्मूला सबको आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख वरुण को आता है। चल ये निकल गया और ये निकल गया, अंदर कितना बचा 1, वो भूत होता है दिखता नहीं तो लिखेंगे नहीं हम उसको, तो कितना निकला, ए के मॉड का स्क्वायर ते बी के, अंदर कितना बचा लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। ये हो गया 1, ए का मॉड कितना दिया है 5, तो स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 25 से 400 कितना हो गया 8, और 8 की 2 भी चढ़ाओ कितना निकला 2√2, स्क्वायर है ना 2√2, आंसर कितना निकला, बी का मॉड 2√2। अगला कौन सा भैया, 14 स्केलर है, 15 स्केलर है, 16 स्केलर है, हाँ 17 क्या है, एरिया ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द एरिया ऑफ, ये क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, गलत है, एरिया कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर का, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होना चाहिए था, देयर सम मिस्टेक। अच्छा चलो 19वां करो, 17वां में कुछ मिस्टेक है। 19, इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स, चलो 19 वाला, ए एंड बी आर द वेक्टर सच दैट क्या दिया है, ए का मॉड इज इक्वल टू 3, ए का मॉड इज इक्वल टू 3, और क्या दिया है, बी का मॉड इज इक्वल टू 2/3, और क्या दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मॉड कितना हो गया 1, इसका यूनिट वेक्टर मॉड 1 हो गया। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, साइन थीटा वाला, क्योंकि क्रॉस है, डॉट में लगता कॉस वाला, ये लगेगा साइन थीटा। फॉर्मूला बोलो, ए क्रॉस बी अपॉन ए का मॉडुलस इनटू बी का मॉडुलस,
a का मॉड इनटू b का मॉड, कितना आंसर आया? किसी का आंसर आया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 इनटू में 2/3, 1/2 बचा, साइन में 1/2 कब आ रहा है? साइन 30, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 30, और कितना निकल गया पाई बाय 6। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद कौन सा है, 20वां है स्केलर, हाँ 21 आपने टिक नहीं मारे ना, चलो कोई टिक मारोगे तो ज्यादा सीन बात नहीं। 21 क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज ए का मॉड दिया हुआ है 8, बी का मॉड इज इक्वल टू 3 और ए क्रॉस बी का मॉड कितना दिया है 12, निकालो एंगल। ये कौन सा क्वेश्चन है? 21 है, निकालो एंगल कितना निकला? 1/2 ही आएगा, साइन साइन 30, 1/3 आएगा, हां 8 12 मॉड दोनों के मॉड इक्वल है। अच्छा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसके बाहर नहीं आएगा, तुम लोग ध्यान रख लेना एग्जाम के अंदर, बस दोनों को इक्वेट कर देना। देखो भैया ये कितना निकलेगा, a डॉट b इज इक्वल टू, यदि यदि एक मार्क्स में दिखाना पड़ेगा इतना बड़ा, मैं डायरेक्ट निकालू a डॉट b इज इक्वल टू कितना था, a का मॉड इनटू b वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा, अच्छा मॉड इसका भी ले लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये तो वैसे ही स्केलर है, ये भी स्केलर, तो मॉड मतलब ये आएगा। अरे दूसरा कौन सा निकलेगा, a क्रॉस b का मॉड, वो कितना निकलेगा बताओ, a का मॉड एंड b का मॉड इनटू कितना साइन थीटा, अब दोनों को क्या कर दूं मैं, इक्वेट कर दो, इक्वेट वहां हमने ऐड किया था ना 400 वाले में, यहां इक्वेट कर दो, ये a का मॉड और ये b का मॉड और इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू a का मॉड और b का मॉड इनटू cos थीटा, ये खत्म। बोलो साइन थीटा बराबर cos थीटा कौन सी कंडीशन पे होता है, 45 पे होता है, ये तो पता ही होगा, और नहीं तो ऐसा कर लो साइन cos को डिवाइड में ले, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया tan theta is equal to 1, अब tan में 1 किस में आता है 45, तो करो भैया अगला क्वेश्चन 28, find the angle between a and b with the magnitude, क्या लोगे यार 1 और 2 दिया, a cross b दिया, निकाल लेना। चलो अगला, यदि हम आते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 7, नहीं 7 तो ट्रिपल प्रोडक्ट है, अच्छा नहीं है सेवेंथ है, सेवेंथ है, सेवेंथ है, एक से लेके छह तक जो क्वेश्चन डले हुए हैं वो आपके हैं कौन से, दीज आर ट्रिपल प्रोडक्ट जो डिलीट हो चुका है, इसके बाद कितने प्रोडक्ट रह जाएंगे, इसके बाद कितना कितने प्रोडक्ट रह जाएंगे, इसके बाद बस एक खत्म हो गया, ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, वो करना नहीं है आपको, क्या करना है डॉट और क्रॉस ही करना, चैप्टर खत्म, आज चैप्टर खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी दिया है, सी दिया है, find a unit vector perpendicular to both a minus b and c minus b, जरा क्वेश्चन नंबर 7 का प्रोसेस बताना भव्या, भव्या हिम्मी आप बताओ, ये कनक आप बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का प्रोसेस, वेरी गुड, मगर इनको पूछा था मैंने, करना क्या हिम्मी, फिर इक्वल सी इक्वल टू ए इनटू बी कर देंगे ना,
भी हो जाएगा अरे कनक बोलो क्या करेंगे सर नेटवर्क इश्यू हिम्मी बेटा अभी मैंने आपको क्या बताया था क्रॉस ये क्या लिखा है क्वेश्चन ए बी और सी दिया है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए माइनस बी एंड सी माइनस बी तो पहले ए माइनस बी निकालो वो निकाल लोगे बोलो हाँ हिम्मी फिर सी माइनस बी निकाल लोगे अब क्या पूछा जो अच्छा अब नाम रख लेना ए माइनस बी का नाम रख लेना पी और c माइनस बी का नाम रख लेना q अब ऐसा वेक्टर जो p और q दोनों के परपेंडिकुलर हो वो कैसे निकलेगा उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर तो p और q का क्या निकाल लेना क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है चलो अब क्लोज करो बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करना वेक्टर हो गया थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है डाउट होगा संडे को ले आना बस थैंक यू सर ओके सी यू